इसमें कितना डस्ट और कचरा है, इसको हम मेंटेनेंस का क्या तरीका होता है वो हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि इस पकासस मशीन को मेंटेनेंस करने का क्या तरीकाकार है। स्क्रू है, इनको खोल लेना है। इसमें देखें कितना डस्ट और कचरा है। इसमें सबसे पहले देखें ये कितना डस्ट और कचरा इसमें है, पहले इसको हमने निकाल लेना है ये चुम्बटी की मदद से। दोस्तों हम आपको बताते हैं इसका मॉडल क्या है, के लिए कौन कौन सी चीज़ें दरकार होनी चाहिए आपके पास। नंबर वन, ये जो टूथब्रश है जो घरेलू इस्तेमाल में होता है। नंबर दो, ये जो चुम्बटी होती है। नंबर तीन, कोई भी कपड़ा हो सफाई के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सफाई करने का तरीका, दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं ये कचरा ऐसा ऐसा मशीन से बाहर आ रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं ये अच्छी तरह सफाई कर रहे हैं, आपने भी इसी तरीके से सफाई करनी है। चिमटी की मदद से कपड़ा आगे आप निकाल लेनी है, उसको भी आपने कपड़े की मदद से साफ कर लेना है। और ये दो शाखा देख रहे हैं उसको भी आपने कपड़े से साफ करना है। उसके बाद आपने दो साथ वाली जो टेंशन प्लेटें हैं वो भी आपने खोल लेनी है। पहले आप इसको लगाएंगे, लगाने के बाद फिर दूसरी खोलेंगे और उसकी भी सफाई करेंगे। रिंग लगा देना है, उसके बाद आपने टेंशन वाला जो अगर नट होता है वो भी आपने लगा देना है। लगाने के बाद आपने दूसरी भी खोल लेनी है, उसका स्प्रिंग वो भी बाहर निकालें। और जो प्लेटें हैं उसके पीछे हैं, दो प्लेटें होती हैं, उसको भी आपने बाहर निकालना है। उसको भी कपड़े की मदद से साफ कर लेना है, कपड़े से अच्छी तरह आपने साफ कर लेना है ताकि इसमें जो कचरा है वो बाकी ना रह जाए। प्लेट को भी कपड़े साफ कर लें, उसके बाद आपने वापस लगा दें जहाँ जो लगी थी, अच्छे तरीके से फिट कर दें। एक एक पुर्जा हम आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो में। कई दोस्तों को इस चीज़ का नहीं पता होता जो नए होते हैं हजरात, जो अक्सर घरेलू औरतें होती हैं वो भी मशीन रख कर ओवरलॉक तो कर लेती हैं लेकिन सफाई का तरीका नहीं पता होता। ये वीडियो उनके लिए ख़ास है जो हमने बनाई है। उसके बाद आपने ये तीसरी टेंशन प्लेट लगी है। नंबर तीन टेंशन प्लेट है जो, उसको भी आप साफ कर लें अच्छी तरह। और जब मुकम्मल मशीन सफाई कर लें तो इसमें जो जो बूट हो जाता है बकाया रह जाता है उसको भी आप साफ कर लें। इसको आप एंड पर भी साफ कर सकते हैं बाहर निकाल के, ब्रश की मदद से साफ कर लें या कपड़े की मदद से साफ कर लें, अच्छे तरीके से साफ कर लें। और इसमें कतरा तेल का लगा दें, जहाँ जहाँ इसको आयल लगाने का जो सुराख होता है वहाँ पर लगा सकते हैं आप। दोस्तों सफाई हो चुकी है, आप चलते हैं धागा डालने का तरीका। चलो हम आपको बता देते हैं इसमें धागा डालने का तरीका क्या है। आपको नज़र आ रहे हैं तीन कोने हैं बड़ी बड़ी, ये तीनों धागे ऊपर से आ रहे हैं, देखें 1 2 3 और तीनों आ रहे हैं इस टेंशन प्लेट की मदद गुजर के आ रहे हैं, देखें। इसके बाद यहाँ से नीचे आ रहे हैं इस सुराख में, ये आप देख रहे हैं इस सुराख में आ रहे हैं। और आपने चिमटी की मदद से इसमें धागे डालने हैं,
दोस्तों ये देख रहे हैं गैडे हैं दो, उसमें से आपने धागा गुजारना है। उसके बाद आपने चिमटी की मदद से, ये तीसरी गैड आपको नज़र आ रही है, उसमें से आपने धागा गुजारना है और दंदार के नीचे से आते हुए बाहर निकालें। इसके बाद आपने लुप्पर में से धागा गुजारना है। ये देखें किस तरीके से आप गुजार रहे हैं, ये दोस्तों देखें आप, ये लुप्पर है, इसमें से आप धागा गुजार सकते हैं। तो थोड़ा सा घुमा लें, घुमाने के बाद आप चिमटी की मदद से, इसके बाद एक लुप गैड हो रहा है जो जिसमें से आपने धागा गुजारना है। देखें यहाँ से आपने चिमटी की मदद से धागा बाहर की तरफ खींच लेना है। व्हील को घुमा लें थोड़ा सा, ये आपको सलाख नजर आ रहा है, इसमें से आपने गुजारना है और बाहर तरफ आपने खींच लेना है। इसमें से कचरा आपको महसूस हो तो आप इसमें से नीडल सुई भी, इस तरीके से देख रहे हैं आप दोस्तों, अच्छे तरीके से आपने सुई को आर पार करना है ताकि इसमें जो कचरा वो बाहर आ जाए और धागा आसानी से बाहर निकल जाएगा। यह आपने चिमटी की मदद से धागा बाहर खींच लेना है। अब हम छोटे लुप्पर होता है जो उसमें से धागा गुजारेंगे। पहले बड़ा लुप्पर था उसमें से हमने धागा गुजार लिया, अब इसके बाद छोटा लुप्पर आता है उसमें से हम धागा गुजारेंगे थोड़ा सा व्हील घुमाकर और चिमटी की मदद से एक बार खींच लेंगे। दोस्तों धागा पाने के लिए कुछ टाइम लगता है क्योंकि ये ब्रिकी का काम है। तो अब गैडों में से गुजरेगा, गुजरने के बाद इसमें से एंड पर जो धागा हमने गुजारना है वो सुई है, नीडल सुई, उसमें से गुजारेंगे और धागा बाहर खींच कर आपको ओवरलॉक करके दिखाएंगे मशीन की। इसमें से कपड़ा भी गुजारेंगे, आप देख रहे हैं ये आखिरी मरहला जा रहा है। आखिरी मरहले के बाद आपने थोड़ा व्हील भी घुमा देना है, दरमियाने इसके बाद अपने पटरी को लगा देना है वापस अपनी जगह पर और पेज दोनों टाइट कर देने हैं। दोस्तों ये इसकी सफाई हो चुकी है और मशीन के पुर्जे भी वापस लग चुके हैं। उसके बाद हमने चेक करना है कपड़ा रखकर नीचे, ओवरलॉक जो कर रही है मशीन, ये ठीक तरीके से कर रही है या नहीं कर रही, इसमें कोई मसला तो नहीं आ रहा। दोस्तों इसके बाद आपने थोड़ी बहुत सेटिंग भी करनी है, अगर धागे का ओवला करने के बाद अगर सिलाई ख़राब हो जाती है इसकी, जो ओवला कर रही है मशीन, इसकी सफाई नहीं आती, आपने थोड़ा सा टेंशन प्लेट को भी सेट कर लेना है, तीनों को धागा इसमें तीनों में से बराबर आना चाहिए। दोस्तों ये तीन देख रहे हैं दो शाखें, एक दो तीन, इन तीनों में से धागे की सेटिंग करनी है आपने। उसके बाद आपने ये देखें हमने बोला कर लिया, सफाई कितनी प्यारी है ये देखें दोस्तों। ये हमने मुकम्मल कर लिया मशीन सफाई, सफाई करने के बाद हमने कपड़ा भी नीचे से गुजार लिया, ओवरलॉक भी ठीक हो चुकी है। दोस्तों हमने आज आपको सिखाया कि ओवरलॉक मशीन पर आपके पास घर में है, औरतें भी घर में काम करती हैं और दुकानों पर भी होती हैं, और जिन दोस्तों को नहीं पता सफाई करने का तरीका और सफाई करने के बाद धागा डालने का तरीका हमने इसमें वीडियो में सिखाया है। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, हमें जानते हैं, अल्लाह हाफिज़।